जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे पितृ गायत्री मंत्र के विषय में, उसके जप के बारे में, इसका क्या महत्व है और उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से अश्विन मास की कृष्ण अमावस्या अर्थात सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या तक पूरे 16 दिन तक जो है ये श्राद्ध पक्ष चलता है, जो इस बार 10 सितंबर से अब शुरू हो चुका है, जिसके साथ ही पितरों को प्रसन्न करने और उन्हें मुक्त करने का जो एक दौर है, जो सिलसिला है, वो भी प्रारंभ हो चुका है। इस दौरान लोग पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए विधि विधान से श्राद्ध तर्पण करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जानते हैं, इस बात की जानकारी रखते हैं कि पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध तर्पण के अलावा अन्य कई कार्य ऐसे होते हैं जो करने से इनको बहुत ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों की मुक्ति के लिए जातक को पितृ गायत्री पाठ का उच्चारण करना चाहिए, पितृ गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। इस दौरान पितृ गायत्री मंत्र का जप भी जो होता है ये शुभ कार्य व अति पुण्यदायी माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि पितृ गायत्री मंत्र को पढ़ने से या इसको सुनने से या इसका जप करने से, पितृ गायत्री मंत्र का जो उच्चारण करने से जो पितृ होते हैं ये हमें हमेशा ही आशीर्वाद देते हैं और इनके साथ साथ देवताओं को भी आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। पितृ गायत्री मंत्र तथा ब्रह्मा गायत्री मंत्र जो भी जातक इसको पढ़ता है उसको पितरों का आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये जो मंत्र होता है ये पितृ दोष को तत्काल रूप से शांत करता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कराने के लिए पितृ गायत्री मंत्र सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। देखिए, आप जानते भी हैं कि गीता में भगवान ने खुद कहा है कि मंत्रों में वह गायत्री है, इसलिए कई सारे मंत्र होते हैं जैसे हनुमान गायत्री मंत्र, गणेश गायत्री मंत्र, ठीक इसी प्रकार से पितृ गायत्री मंत्र भी होता है और इसका भी अपना बहुत बहुत ज़्यादा अधिक महत्व होता है, जिसको हमें पितृ पक्ष में तो हमें हर दिन इसका जप करना ही चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो श्रद्धापूर्वक इसका रोज जप भी कर सकते हैं, जिसकी जिस जातक की कुंडली में पितृ दोष हो उसको ये रोज ही जप इसका करना चाहिए। और होता है क्या कि अगर आप पितृ पक्ष में इस मंत्र का जप करते हैं तो ऐसा करने से जितने भी जो पितृ होते हैं, जो आपके पितृ हैं, पूर्वज हैं, जो किसी प्रकार से आपसे रुष्ट हैं, आपसे क्रोधित हैं या आपके ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, ये सब इस मंत्र आप जब इसको जपेंगे तो इस मंत्र के कारण वे सब तृप्त हो जाएंगे और उनको परम शांति प्राप्त होती है, जिससे कि वे आप पे अपना पूरा का पूरा आशीर्वाद, अपूर्ण कृपा आप पे करते हैं और जाप करने वाले की जो है जीवन में सफलताओं का दौर जो है वो शुरू हो जाता है। इस मंत्र का जाप पितृ पक्ष में तो आप करें अमावस्या, साल की कोई भी अमावस्या आप उस दिन भी करें, आप एकादशी के दिन भी आप इसको जप कर सकते हैं, लेकिन हमारा कहना यह कि आप पितृ पक्ष में तो आप हर दिन इसका जप अवश्य करें। सुबह समय मिलता है तो सुबह करें, शाम को समय मिलता है तो शाम को करें, लेकिन जप इसका अवश्य करें। और देखिए, इस मंत्र का सबसे पहला फायदा ये होता है कि जब भी कभी आप इस मंत्र का जाप करते हैं, कोई भी जो जातक है जिसकी कुंडली में पितृ दोष है उसको तत्काल शांति प्राप्त होती है, उसको तत्काल जो है इसका लाभ दिखाई देता है, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ इस मंत्र का उसको जाप करना चाहिए। इस मंत्र का आप जब भी जाप करते हैं तो आपको भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते रहना चाहिए। पितृ पक्ष में गायत्री मंत्र की आप अधिक से अधिक जितनी माला हो सकता है उतना करें, अगर आप माला नहीं तो आप ऐसे मतलब मुंह जवानी भी आप उसको पढ़ के या बोल के आप उसको कर सकते हैं। इस दिन आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आप पितृ पक्ष में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं, ये भी इससे भी इसकी आपकी जो मंत्र की शुभता है वो बढ़ जाती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में पितृ दोष है, जिनको पंडित ने या किसी भी ज्योतिष ने उनको बताया है, तो उनको तो इस मंत्र का अवश्य ही अनुष्ठान करवा लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन से हैं ये मंत्र। देखिए, हम जो ये मंत्र बोल रहे हैं ये आपको आपकी स्क्रीन पे तो दिखाई देंगे ही देंगे, इसके साथ साथ ये आपको हम डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दे देंगे, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या फिर आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और आप इसका जप कर सकते हैं। बहुत आसान है, जब आप 10-5 बार इसको पढ़ेंगे बोलेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगे। तो हम बता रहे हैं मंत्र, आप ध्यान से सुनिएगा। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात। अगला है, ओम आद्य भूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात। ओम आद्य भूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात। अगला है, ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगेभ्यः एव च नमः स्वाहायाय स्वधायाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगेभ्यः
एवच नमः स्वाहायाय स्वधायाय नित्यमेव नमो नमः। अगर आप पितृ पक्ष में पितृ गायत्री मंत्र का जप करते हैं, इसके साथ साथ आप अपने पितरों को जल दान भी अवश्य करिए। देखिए जल दान कैसे किया जाता है, इसकी पूरी विधि हमने अपनी इस वीडियो में बताई है, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आप जल दान अवश्य करें और साथ में इस पितृ गायत्री मंत्र का भी जप अवश्य करें, इससे आपको जो है अधिक फल प्राप्त होगा, आप अधिक जो है आपको पितरों की कृपा प्राप्त होगी। भगवान श्री नारायण आप सभी के पितरों को परम शांति दें, उनको तत्काल मुक्ति दें और सभी पितृदेव आप पर अपनी संपूर्ण कृपा आप पर करते रहें। पितृपक्ष आपके लिए शुभ रहे। जय श्री कृष्णा।